गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ चिराग सोखानी फ्रॉम राफेल बीबीए कॉलेज वापी एंड वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर दैट इज व्हाट लिवरेज एंड इन दैट देर इज अ कंबाइंड सम मिक्स सम सब ओके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टाइप के. चलो क्वेश्चन नंबर वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज. याद रखना कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज वैन देर इज अ चेंज इन एबिट बाय 10%. So particulars P, Q and R. In short, three form is given. That is what P, Q and the R. Equity share, equity capital, share of rupees 10 each. 4,000, 2,000, 5,000. Debt 4,000, 5,000, 2,000. And EBIT 600, 600, 600. Interest is assumed at the rate of 10%. And taxation is ignored at all the levels. So before answering this question, you should know the format of financial leverage. Then formula of the financial leverage and the degree of the financial leverage. Okay, so formula and format याद रहना चाहिए. So first हम लोग P limited के लिए calculate कर रहे हैं. So format क्या है जो financial leverage calculate करते हैं ना, उसके लिए format आपको याद रखना है. That is EBIT minus interest on debt. So EBT मिलेगा. That is earning before tax. Minus tax करेंगे तो earning after tax. माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो हमें क्या मिल जाएगा? अर्निंग पर शेयर. क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? एबिट अपॉन ईबीटी. एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एबिट. ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक्चुअल जो दिया है ये हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में चेंज में. बिकॉज यहां पे दिया है ना कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन एबिट बाय 10% आल्सो, सो वो केसेस में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है. चल फर्स्ट ऑफ ऑल पी लिमिटेड के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना. एबिट ऑफ द फर्म इज व्हाट? 600. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. नाउ रिमेंबर ऑलवेज इंटरेस्ट इज व्हाट? 10%. एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डिबेंचर. सो डिबेंचर कितना है? 4,000. सो 4,000 का 10% निकालना है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होगा? 4,000 उसका 10%. ओके, सो क्या आएगा? 400. सो अर्निंग बिफोर टैक्स 200 आएगा. टैक्स रेट को इग्नोर करना है यानी जीरो टैक्स रेट. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा? 200. प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, सो जीरो. सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स 200. ओके, नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना. नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे होता है? दैट इज वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. सो 4,000 डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा. ओके, सो कितना आएगा? 400. तो ये 400 कहां से आया? दैट इज 4,000 डिवाइडेड बाय 10. सो 4,000 क्या है? शेयर कैपिटल. दैट इज कॉल्ड इज व्हाट? वैल्यू, बुक वैल्यू बोला जाता है. बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. तो हमें क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके, सो पी में कितना है? 4,000 है. एंड शेयर का प्राइस कितना है? 10. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा? 400. सो 200 डिवाइडेड बाय 400, सो अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा. दैट इज व्हाट? 0.50. क्लियर? सो उसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर पाएंगे. दैट इज एबिट अपॉन ईबीटी. सो एबिट कितना है? 600. एंड ईबीटी कितना है? ईबीटी 200. ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा? 3. क्लियर? नाउ डिग्री, डिग्री कैलकुलेट करने के लिए चेंज वाला हम लोग को चाहिए. तो यहाँ पे चेंज कितना करना है? दैट इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन एबिट बाय 10%. सो 10% चेंज करना है. सो 600 का कितना हो जाएगा? 660. ओके, कैसे हो जाएगा? तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स में या किसी भी चेंज, दैट इज व्हाट 10% चेंज बोला है. ओके, नाउ आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स में करना हो तो कर लेना ऐसे कि वर्किंग नोट्स चेंज कितना करना है. सो एबिट 600 था, उसका 10% यानी 60 आएगा. सो ऑलवेज इंक्रीज करना है चेंज में. 600 प्लस 60 इज व्हाट? 660 हो जाएगा. क्लियर? सो 660. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड. सो 400. सो
260, टैक्स जीरो, सो 260, प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो, तो 260, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी सेम, दैट इज व्हाट 400, सो डिवाइड करेंगे तो 0.65 आएगा। क्लियर? सो हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज फाइंड आउट करेंगे, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एबिट। नाउ ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस वर्किंग नोट में फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। सो उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज, दैट इज चेंज माइनस एक्चुअल। सो चेंज कितना आया? 0.65 माइनस एक्चुअल 0.50 डिवाइडेड बाय एक्चुअल 0.50। आ रहे समझ में? सो 0.65 माइनस 0.5 दैट इज 0.15 डिवाइडेड बाय 0.50। ओके, सो 0.3 ओके इंटू 100, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 30% चेंज आया ईपीएस में। ओके, एंड परसेंटेज चेंज इन एबिट तो दे ही दिया है 10% चेंज, सो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज व्हाट? 30% एंड परसेंटेज चेंज इन एबिट 10%, सो आंसर इज व्हाट? 3, सो आंसर इज राइट। फाइनेंशियल लिवरेज एंड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, क्लियर? लाइकवाइज यू हैव टू कैलकुलेट फॉर क्यू लिमिटेड, सो फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। नाउ क्यू में एबिट कितना है? 600 ही है ना, अभी इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे डिबेंचर कितना है? 5000, 10%। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा? 5000 का 10%। ओके, कितना आ जाएगा? 500। सो ईबीटी 100, टैक्स रेट 0, सो 100, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, सो अर्निंग अवेलेबल टू शेयर्स 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे 2000 है, सो 2000 डिवाइडेड बाय 10, सो कितना आएगा? 200। कैसे आएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, सो ईपीएस कितना आया? 0.5 ना, 100 डिवाइडेड बाय 200। क्लियर? नाउ चेंज, चेंज अगेन कितना करना है? 10%। सो हम लोग ने कर लिया ना सेम, 660 आएगा इंटरेस्ट 500, तो बचा कितना? 160, टैक्स 0, सो 160, 0, सो अर्निंग 160, एंड 200 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 0.8 आएगा। क्लियर? सो फाइनेंशियल लिवरेज क्या बनेगा? एबिट अपॉन ईबीटी, सो एबिट कितना है? 600 एंड ईबीटी 100, सो कितना आया? 6। नाउ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एबिट, सो हम लोग फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, चेंज माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल। ओके, सो यर 0.8 माइनस 0.5, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5, सो 0.6 इंटू 100 यानी 60% चेंज। ओके, सो चेंज इन ईपीएस 60% एंड चेंज इन एबिट 10%, सो अगेन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज 6 आ गया। क्लियर? चलो लाइकवाइज फॉर आर, सो एबिट 600 है, इंटरेस्ट अभी डिबेंचर कितना है? 2000, सो 2000 का 10% यानी 200 आएगा। ओके, सो यहाँ पे 2000 का 10%, सो ईबीटी 400 आएगा, टैक्स रेट 0, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स 400, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 400। क्लियर? एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 500 आएगा, दैट इज 5000 डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। ओके, सो 400 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो आया 0.8 ईपीएस। क्लियर? सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला एबिट अपॉन ईबीटी, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय ईबीटी 400। नाउ 600 डिवाइडेड बाय 400 1.5। क्लियर? अभी डिग्री करना है तो इसके लिए चेंज चाहिए, सो चेंज 10% जो 660 है ना। ओके, सो 200 का 200 तो कितना आएगा? 460, 0 तो ईएटी भी 460, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 तो अर्निंग 460, एंड 500 क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो कितना आएगा?
0.92. So here degree of financial leverage is what? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. सो फॉर्मूला चेंज माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल. ओके सो हियर 0.92 माइनस 0.8 दैट इज 0.12 डिवाइडेड बाय 0.8 0.15 इनटू 100 यानी 15% चेंज आएगा. सो चेंज इन ईपीएस 15%, चेंज इन एबिट 10% दिया है ना सम्स में. सो अगेन आएगा 1.5. क्लियर. सो हमारे कैलकुलेशन इज ओवर. सिंपल सा है. कुछ कंक्लूजन भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं, खाली कैलकुलेट करने के लिए बोला है. देखो कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. सिंपल है. चलो क्वेश्चन नंबर टू. चलो क्वेश्चन नंबर टू. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज दैट इज ओएल एफएल एंड द सीएल. पर्टिकुलर पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड इज गिवन, सेल्स इज गिवन 500,000, वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 200-300, फिक्स कॉस्ट 150-400, इंटरेस्ट रेट 50 एंड दी 100 इट इज गिवन. सिंपल सा. इग्नोर टैक्सेशन, टैक्स को नहीं लेना है. कैलकुलेट डिग्रीज, डिग्री भी कैलकुलेट करना है. व्हेन देयर इज अ चेंज इन सेल्स बाय 10% एंड ऑल्सो कमेंट ऑन देयर रिलेटिव रिस्क पोजिशन, यानी कमेंट भी देना है ये सम्स में. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज. तो हमको वो बड़ा वाला टेबल याद रखना है. क्लियर ना. सो यहाँ पे पी लिमिटेड मैंने लिख लिया है. सो फॉर्मेट याद रखना है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सो क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट सो क्या मिलता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी माइनस टैक्स तो ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सो क्या मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर. इन शॉर्ट अगर ये फॉर्मेट अच्छे से याद रह गया सो एकदम ईजी से सम्स हो जाता है. ओके चलो, बिकॉज यहाँ पे तीनों तीन करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल लिवरेज भी कैलकुलेट करना है एंड द कंबाइंड लिवरेज भी कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ उसकी डिग्रीज भी कैलकुलेट करनी है. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स फॉर पी लिमिटेड. सो सेल्स 500 इज गिवन. ओके माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया 200, तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा 300. माइनस फिक्स कॉस्ट भी दे दिया 150 डायरेक्टली, सो हमको मिल जाएगा ईबीआईटी 150. इंटरेस्ट भी दे दिया, कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्टली 50 दे दिया, सो ईबीटी कितना आ गया 100 आ गया. क्लियर. टैक्स रेट को इग्नोर करना यानी जीरो, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 100 रुपीज. प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया यानी जीरो, सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी क्या आ जाएगा, वही हो जाएगा 100. क्लियर. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कुछ दिया ही नहीं है हमको, ये सम्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिया है, सो ईपीएस नहीं आएगा. आया समझ में. तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज दैट इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. ओके नाउ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 300 एंड ईबीआईटी कितना आया 150. सो 300 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे ना, सो ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर क्या आएगा 2. क्लियर. अभी डिग्री का, डिग्री पूछा है सो उसके लिए क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ओके सो कितना चेंज लाना है, चेंज इन सेल्स बाय 10%, 10% चेंज लाना है. ओके सो 10% सेल्स में चेंज लाना है. सो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेल्स के बारे में. वर्किंग नोट में एक्चुअल सेल्स कितना है 500, उसके ऊपर 10% चेंज लाने यानी 50. सो 500 प्लस 50 कितना हो जाएगा 550 हमारा सेल्स हो जाएगा. क्लियर. तो चेंज 550. वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है ऑलवेज, बिकॉज जैसे सेल्स चेंज होता है वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है. सो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% चेंज होगा, सो 200 इंटू 10% यानी 20. सो 200 प्लस 20 यानी 220 हो जाएगा. समझ में.
बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज विद द चेंज इन सेल्स और यूनिट्स. सो यहाँ पे कितना आएगा 330. फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स 150. सो एबिट कितना आएगा 180. इंटरेस्ट अगेन फिक्स्ड तो कितना आ जाएगा 130. टैक्स रेट नहीं है सो 130 ईएटी आएगा. प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है ओके. सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को 130 हो जाएगा. बट ईपीएस नंबर ऑफ शेयर्स कुछ नहीं दिया तो कैलकुलेशन नहीं होगा. सो हियर परसेंटेज चेंज इन एबिट ओके. ना परसेंटेज चेंज इन एबिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे. परसेंटेज चेंज इन एबिट कौन सा फॉर्मूला, चेंज माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल ओके. सर एबिट में कितना चेंज आया 180, एक्चुअल 150 डिवाइडेड बाय एक्चुअल 150. सो 30 डिवाइडेड बाय 150 कितना आएगा 0.2 इंटू 100. इट मीन्स 20% चेंज आया ओके. सो परसेंटेज चेंज इन एबिट 20% एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स सम्स में दे ही दिया. सेल्स में कितना चेंज लाना है 10%. तो आंसर कितना आ गया 2 राइट. ऑपरेटिंग लिवरेज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. लाइकवाइज यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द फाइनेंशियल लिवरेज. सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एबिट अपॉन ईबीटी. सो एबिट कितना आया 150. चेंज वाला नहीं देखना है, ओरिजिनल का देखना है. 150 डिवाइडेड बाय ईबीटी 100. 150 डिवाइडेड बाय 100 तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या आएगा 1.5. नाउ रिमेंबर यहां पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट नहीं होगा. यहां पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट नहीं होगा बिकॉज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एबिट. बट यहां पे तो ईपीएस का फाइंड आउट ही नहीं होगा, यहां पे फाइंड आउट ईपीएस नहीं होगा. तो यहां पे फाइनेंशियल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट नहीं होगा. सो खाली क्या लिया हम लोग ने, फाइनेंशियल लिवरेज. सो नेक्स्ट इज व्हाट कंबाइंड लिवरेज. सो फॉर्मूला इज व्हाट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी. सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 300 ओके. एंड द ईबीटी कितना आया 100. सो कितना आ गया 3 आ गया ओके. नाउ कंबाइंड लिवरेज ऑल्सो फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अनदर फॉर्मूला, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज. सो ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर कितना आया 2 ओके इनटू फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर कितना आया 1.5 ओके. सो 2 इनटू 1.5 करेंगे ना तो आंसर कितना आएगा 3. आया समझ में, सेम आंसर आया ना. सो आइदर और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. क्लियर. लाइकवाइज यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द क्यू लिमिटेड. सो पर्टिकुलर्स एक्चुअल एंड द चेंज. चलो क्यू में सेल्स, सेल्स कितना है 1000 देखते जाना आप क्वेश्चन में 1000. वेरिएबल कॉस्ट 300 सो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 700. फिक्स कॉस्ट 400 सो ईबीआईटी मिलेगा 300. इंटरेस्ट 100 तो अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा 200 ओके. नाउ अर्निंग बिफोर टैक्स 200 मिला, टैक्सेशन रेट को क्या करना है इग्नोर, जीरो. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 0. प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स भी क्या होगा 200. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, नहीं फाइंड आउट होगा. ईपीएस भी फाइंड आउट नहीं होगा. इन शॉर्ट यहां पे हमारा सम्स ओवर हो जाएगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज. सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी. सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 700 एंड द ईबीआईटी 300 ओके. नाउ 700 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे सो आंसर आएगा 2.33 ओके. चलो अभी कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. सो उसके लिए चेंज करना है. सो चेंज कितना है 10% ही है ओके. सो यहां पे चेंज हम लोग यहां पे वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करते हैं ना. 1000 है उसका 10% निकलना पड़ेगा सो 100 हो जाएगा. सो चेंज कितना होगा 1000 प्लस 100 यानी 1100 हो गया अभी. सो 1100 लाइकवाइज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो ना. सो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 300 है.
उसका 10% कितना हो जाएगा 30, सो 300 प्लस 30 यानी अभी वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 330। क्लियर? सो आंसर कितना आएगा 770। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम तो कितना बचेगा 370, इंटरेस्ट भी सेम तो 270। ओके सो टैक्स रेट को इग्नोर करना है, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स 270 ही आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है सो 270 आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है तो ईपीएस भी कैलकुलेट नहीं होगा। सो डिग्री परसेंटेज चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके सो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में परसेंटेज चेंज इन एबिट फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज चेंज इन एबिट, परसेंटेज चेंज इन एबिट का फॉर्मूला, चेंज इन एबिट कितना आया 370 माइनस एक्चुअल एबिट 300 डिवाइडेड बाय एक्चुअल 300, सो 70 डिवाइडेड बाय 300। ओके तो 70 डिवाइडेड बाय 300 आंसर आया आपका 0.2333 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा 23.33%। सो परसेंटेज चेंज इन एबिट 23.33% एंड चेंज इन सेल्स 10% है। ओके नाउ 23.33 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.33। आया समझ में? सो आंसर इज व्हाट, राइट। क्लियर? चलो लाइकवाइज वी हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। सो फाइनेंशियल लिवरेज एबिट अपॉन ईबीटी, सो एबिट कितना आया 300, ईबीटी कितना है अर्निंग बिफोर टैक्स 200, सो 300 डिवाइडेड बाय 200 1.5 आएगा फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री फाइंड आउट नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे ईपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सो कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी ना, सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 700 एंड ईबीटी 200, सो 700 डिवाइडेड बाय 200 करो 3.5। ओके और आइधर ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया 2.33 इंटू फाइनेंशियल लिवरेज कितना आया 1.5। ओके नाउ 2.33 इंटू 1.5 सो कितना आएगा 3.495, अल्टीमेटली क्या हो गया 3.5 हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हमारा कैलकुलेशन ओवर हो गया। ओके नाउ कमेंट देना है, कमेंट ऑन द रिलेटिव रिस्क पोजीशन। नाउ अभी आप ऑपरेटिंग लिवरेज का देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज में कहां पे ज्यादा रिस्क है। सो यहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज 2.33 है, एनपी में 2 है, इट मींस यहां पे ज्यादा रिस्क है। ओके सो और डिग्री भी देख लो, दैट इज 2. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज हायर इन क्यू लिमिटेड एंड दस क्यू लिमिटेड इज एक्सपोज्ड टू हायर ऑपरेटिंग रिस्क, हायर ऑपरेटिंग रिस्क होगा ना इन केस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सो फाइनेंशियल लिवरेज 1.5 आया और 1.5, इट मींस इट इज सेम, फाइनेंशियल लिवरेज इज सेम फॉर बोथ फर्म। सो हम लोग कौन से फॉर्म में ज्यादा रिस्क के मेजर नहीं कर पाते। ओके इट मींस फाइनेंशियल इज ऑल्सो सेम, फाइनेंशियल रिस्क इज सेम दोनों में। नो कंबाइंड लिवरेज देखो, ए में कंबाइंड लिवरेज 3 आया, पी में एंड क्यू में 3.5 आया। ओके सो अगेन कंबाइंड लिवरेज इज हायर इन क्यू लिमिटेड, दस इट इज एक्सपोज्ड हायर, हायर टोटल रिस्क, उसको बोलेंगे हम हायर बिजनेस रिस्क, यानी क्यू में हाई बिजनेस रिस्क है। क्लियर? सो हम लोग ने कैलकुलेट किया फर्स्ट एंड द सेकंड आंसर। सो नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।